हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके सामने फिर से एक हॉल शेयर करने जा रही हूँ जो कि है फ्रॉम अमेज़न। और जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास है कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे एंड कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं एंड कुछ प्रोडक्ट्स मेरे यहाँ पे भी हैं। सो इन सबको मिला के मेरे पास है 11 प्रोडक्ट्स एंड मैं इनको वन बाय वन आपके साथ अनपैक करती जाऊँगी। सो स्टे ट्यून विद मी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की फर्स्ट आइटम है ये जो कि है बेबी प्लास्टिक मेकअप ब्रश होल्डर। एंड मैंने इसे परचेस किया अपनी मेकअप ब्रशेस को रखने के लिए जो मैं डेली यूज़ करती हूँ एंड पेन रखने के लिए या फिर डेली यूज़ के कुछ भी सामान मैं जो छोटी मोटी सामान होती है वो रखने के लिए। सो ये मेरे लिए बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। ये बहुत ही प्यारा सा शेड लगा मुझे एंड इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 899 जो कि मुझे मिला है 299 में, विच इज़ अ वेरी गुड डील फॉर मी। सेकेंड जो आइटम मैंने परचेस किया है वो है ये जो कि है मिनीसो पोल्का डॉट हेयर बैंड। ये एक बहुत ही सॉफ्ट सा व्हाइट कलर का हेड बैंड है जो कि मैंने फेशियल करते टाइम यूज करने के लिए परचेज किया है। वैसे ये देखने में भी बहुत क्यूट है जिसमें येलो एंड ग्रे कलर की पोल्का डॉटेड प्रिंट है एंड इसे वेयर करना भी बहुत इजी रहेगा। जैसे कि आप इस तरह से इसे अपने पहले नेक पे वेयर कर लें, देन उसके बाद अपने जो हेयर्स हैं उसको बाहर कर लें एंड इस तरह से नेक में डालने के बाद आप इस तरह से इसे अपने फेस में पहन सकते हैं। तो इसे इस तरह से आप पहन के फेशियल्स बहुत आराम से कर सकते हैं या फिर कोई भी स्किन के रूटीन है आपकी तो आप उसे भी कर सकते हैं। एंड मेरे लिए ये बहुत ही यूजफुल रहेगा जब भी मैं कोई स्किन केयर रूटीन करूँ अपने या नाइट केयर रूटीन करूँ तो ये मेरे जो हेयर्स है वो बार बार मेरे फेस पे आ जाते हैं। तो जो भी मेरा फेस पैक होता है या फिर कोई भी मसाजिंग वाली क्रीम होती है वो मेरे फेस पे आ जाती है और बहुत ही अनटाइडी हो जाती है और मेरे हेयर्स पे भी काफ़ी लग जाती है वो वाली प्रोडक्ट। एंड इसमें जो इस तरह की बो आई है इसे आप डिटैच भी कर सकते हैं इस तरह से, उसे पानी में निचोड़ के इस तरह से अपने जो फेशियल पैक होती है उसे रिमूव कर सकते हैं, इसको धो सकते हैं, देन इसे आप अगली बार भी आसानी से यूज कर सकते हैं एंड फिर से आप इसे इस तरह से यूज कर सकते हैं यहाँ पे। एंड इसकी ओरिजिनल प्राइस है 150 रुपीज जो कि मुझे मिला है ओनली 140 रुपीज में। नेक्स्ट जो आइटम है वो मुझे इस पैकेट में मिली, लेकिन इतने बड़े पैकेट में मुझे ओनली एक छोटी सी चीज मिली और वो चीज क्या है, वो है ये आईरिस का कॉन्टेक्ट लेंस एंड ये वन पेयर लेंस है जो की मुझे मिली है 220 रुपीज में जिसमें कोई भी ऑफर नहीं था। ये जो कलर है वो है टर्किश कलर। मैं इसे आपको खोल के दिखाती हूँ। ये इस तरह की लगेगी। मेरे पास ग्रे कलर की, ब्राउन कलर की, हेजल कलर की लेंसेस है बट मेरे पास इस तरह की लेंसेस नहीं है जो कि है ब्लू टर्किश कलर एंड ये दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। एंड ये है डेली वेयर के लिए जो कि है एक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस। जनवरी 2026 में ये एक्सपायर हो जाएगा एंड जैसे कि PSE एक बहुत ही रिनाउंड ब्रांड है एंड इतने सस्ते में इसका जो कॉन्टैक्ट लेंस है वो मुझे मिल रहा था तो मैंने इसे भी परचेस कर लिया। नेक्स्ट जो आइटम है वो है बॉश एंड लॉम का मल्टीपर्पज सोल्यूशन। ये एक कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन है और इसे मैंने बहुत सारे लोगों को यूज करते हुए देखा है एंड ये मुझे पड़ी 123 रुपीज में बट इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 145 रुपीज। ये इस तरह की दिखती है अंदर से जो कि है एक क्लीन कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन। बहुत ही कंफर्टेबल है आईज पे क्योंकि आपकी जो आईज है वो इरिटेट नहीं होती इसके साथ कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बाद। मैंने ये छोटा वाला पैकेट परचेस किया जो कि है 60 ml में। आपको ये बड़ा वाला बॉटल भी मिल जाएगा जो कि है 500 ml का जो कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। तो मैंने इसे अभी ट्राई के लिए परचेस किया एंड मुझे इसमें कुछ ऑफर भी मिल रहा था इसीलिए मैंने इसे परचेस कर लिया। नेक्स्ट जो आइटम है वो मुझे इस कार्टून बॉक्स में रिसीव हुआ एंड मैंने इसे ऑलरेडी खोल के देख लिया है। ये है एक LED कैंडल। ये 3 के सेट में आता है जो कि है 10 cm, 12 cm एंड 15 cm जो कि एक कैंडल लाइट डिनर के टाइम में आप यूज कर सकते हैं या फिर दिवाली में यूज कर सकते हैं या फिर आप कहीं पे भी रख सकते हैं अपने रूम को थोड़ा सा वार्म लुक देने के लिए। मैं इसे वैनिटी के ऊपर या फिर ड्रॉइंग हॉल में रखने वाली हूँ जिससे मेरी जो हॉल का लुक है वो थोड़ा सा वार्म लगेगा। इसकी जो बॉटम है वहाँ पे इस तरह की आपको एक लिड मिलेगी जहाँ पे आप 3 बैटरीज जो कि पेंसिल बैटरीज होती हैं ये 3 बैटरीज आप फिट कर सकते हैं। इसके साथ कोई बैटरी अवेलेबल नहीं होगी, बैटरी आपको अलग से लेनी पड़ेगी। आप इसे बेडरूम में रख सकते हैं या फिर ड्रॉइंग हॉल में रख सकते हैं। बहुत ही एक अट्रैक्टिव सा वार्म लुक लेके आता है आपके रूम में। मैं इसे अपने वैनिटी के ऊपर या फिर अपने ड्रॉइंग हॉल में रखने वाली हूँ एंड ये मुझे बहुत ही प्यारा सा पीस लगा डेकोरेशंस के लिए। ये तीनों इसी कलर में आएंगी जो कि व्हाइट वाली बॉडी होगी इसकी एंड जो लाइट होगी वो बिल्कुल वार्म कलर की येलो लाइट होगी एंड इसकी जो प्राइस है वो है 599 जिसमें मुझे कोई भी ऑफर नहीं मिला बट दिस वॉज वर्थ बाइंग फॉर मी। नेक्स्ट जो आइटम मैंने परचेस किया है वो है ये जो कि एक रोल है एंड ये है बेफिस मल्टीपर्पज एंटी स्लीप मैट लाइनर शीट जिसमें
आपको मिलेगी 5 मीटर की शीट एंड इसकी जो चौड़ाई है वो है 45 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से पैक होके आती है एंड इसके अंदर मिलेगा आपको इस तरह की 5 मीटर की रोल। इसको मैं यूज करूंगी अपने किचन में या फिर ड्रॉर में या फिर मैं अपने वैनिटी जो मेरे पीछे पड़ी है वो वाली वैनिटी में इस तरह से बेस पे एंटी स्लीपरी इफेक्ट देने के लिए। एंड इससे आपकी जो भी बेस होती है किचन में या फिर वार्डरोब में उसको ये वेट होने से बचाता है एंड उसमें कोई भी डर्ट लगने से बचाता है, तो इसीलिए मैंने इसको परचेज किया है। इस मैट को यूज करना बहुत ही ईजी रहेगा। जैसे कि आपको इस तरह से पहले तो अनपैक कर लेते हैं एंड इसके पास जो रोल दिया हुआ है वो भी निकाल लेते हैं। इसके बाद आपको मिलेगी इस तरह की शीट जो कि इस तरफ से रफ है एंड इस तरफ से प्लेन है, तो ये जो रफ वाली पोर्शन है इस तरह से कहीं पे भी रख सकते हैं। एंड इसे यूज करना भी बहुत ईजी है क्योंकि आप इसे सीजर से कट कर सकते हैं एंड कहीं पे भी आपको रखना है तो आप इसे रख के डर्ट लगने से बचा सकते हैं। एंड जैसे कि ये 5 मीटर की है तो ये लिए तो ये इनफ साइज में आई है, इसे मैं बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज भी करने वाली हूँ। इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो है 999, लेकिन मुझे मिला है ये अमेजोन पे ओनली 499। नेक्स्ट जो आइटम मैंने परचेस किया वो मुझे इस बॉक्स में मिली है एंड ये है एव्यू वेलवेट हेयर स्क्रंचीज। ये वेलवेट वाली हेयर स्क्रंची है जिसे आप बहुत ही इजिली यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंडेबल है एंड बहुत ही सॉफ्ट है। ये 2 पीस में आती है एंड इसकी जो प्राइस है वो है 399 जो की है एक्चुअल प्राइस एंड मैंने इसे परचेस किया ओनली 165 रुपीज में, विच वॉज अ वेरी गुड डील फॉर मी। मार्केट में आपको ये वाली स्क्रंचीज 10 या 20 रुपीज में भी मिल जाती है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो हम मार्केट वाले जो स्क्रंचीज होती है उसे कंपेयर नहीं कर पाते क्योंकि मार्केट वाली जो स्क्रंचीज होती है वो ज्यादा एक्सपेंड नहीं होती है जितना ये एक्सपेंड होती है। एंड इसे बहुत ही इजीली आप अपने हेयर्स को टाई कर सकते हैं जो कि बिल्कुल भी इरिटेटिंग भी नहीं रहेगी, सो इसीलिए मैंने इसको परचेस किया है। नेक्स्ट आइटम मैंने परचेस किया है वो है ये जो कि है बेलकोसा रॉयल बास्केट एंड जो कि है A4 साइज में। एंड इसकी जो साइज की बात करें तो ये है 34 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंथ एंड 24 सेंटीमीटर फ्रॉम ब्रेथ। एंड ये इस तरह की बास्केट होती है जो कि एक ऑर्गेनाइजर है एंड आप इसे बहुत इजीली अपने किचन में या फ्रिज के ऊपर या फिर अपने ड्रॉर में यूज कर सकते हैं। मैंने इसे परचेस किया अपने वैनिटी में मेकअप प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, सो ये मेरे लिए बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा ऑर्गेनाइजर है जो कि कॉफी कलर में आया है। प्राइस की बात करें तो ये है 344 जो कि है इसकी एक्चुअल प्राइस एंड ये मिला मुझे 342 रुपीज में, जिसमें खास कोई ऑफर नहीं था बट ये मुझे चाहिए था इसलिए मैंने इसे परचेस किया। नेक्स्ट आइटम जो मैंने परचेस किया है वो है ये जो कि मुझे इस बॉक्स में मिली है एंड इसके अंदर अगर आप देखें तो ये भी एक ऑर्गेनाइजर है जो कि मुझे अभी बहुत ही जरूरत है क्योंकि मैं इसे अपने वैनिटी में रखने वाली हूँ। इस तरह की है जो कि है बिल्कुल डार्क ब्राउन जिसे आप कॉफी कलर भी बोल सकते हैं। ये मीडियम साइज का ऑर्गेनाइजर है एंड ये भी आप किचन में अपने वार्डरोब में या फिर अपने फ्रिज के ऊपर इस तरह से रख सकते हैं। इससे आपको बहुत ही इजी रहता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट या फिर पर्टिकुलर टाइप की जो भी आइटम होती है उसे आप इकट्ठा इस तरह से रख सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो है 500 रुपीज एंड मुझे ये अमेजोन पे मिली है ओनली 299 रुपीज में। नेक्स्ट जो आइटम मैंने परचेस किया है वो भी एक ऑर्गेनाइजर है बट ये एक स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजर है। ये है फ्रॉम अमेजोन ब्रांड सोलिमो स्टोरेज बास्केट जो कि 4 के सेट में आती है एंड ये एक कॉफी कलर की बास्केट है जो कि एक स्मॉल साइज में है एंड इसकी जो प्राइस है वो है 500 रुपीज लेकिन मुझे अमेजोन पे मिली है ये ओनली 329 में। ये भी मैंने अपने किचन में एंड अपने वैनिटी ड्रॉर में रखने के लिए परचेस किया है। एंड आज की जो लास्ट आइटम है वो मुझे इस बॉक्स में रिसीव हुई है। इसके अंदर है एफगियर की एक स्पोर्ट्स वेस्ट बैग जो कि आप इस तरह से कैरी करके आप आउटिंग के लिए जा सकते हैं या फिर कोई भी ट्रैकिंग होती है आप अपने डेली पर्पस के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। कोई शॉर्ट ट्रिप होती है तभी भी आप इसे यूज कर सकते हैं या फिर आपको मार्केट जाना है बिल्कुल पास में तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही लाइट वेटेड एंड ब्लैक कलर की बैग है जो कि आप बहुत ही इजीली कैरी कर सकते हैं। इसके पीछे इस तरह की एक बकल आती है जिसे आप इस तरह से खोल सकते हैं एंड इस तरह से बंद कर सकते हैं। इसमें मिलेगी आपको 3 पॉकेट्स जो कि इस तरह से होती है जो कि सबसे पीछे वाली पॉकेट है एंड मिडिल वाली होती है जो कि बहुत बड़ी सी पॉकेट होती है जिसमें आप कैमरा अपनी वॉलेट सनग्लासेस या फिर कोई भी कॉस्मेटिक होती है या फिर डेली यूज के आपके कोई भी सामान होते हैं उसे यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। एंड इसके आगे आएगी इस तरह की एक छोटी सी पॉकेट जहाँ पे आप अपने नोट्स रख सकते हैं या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट पेपर रख सकते हैं इसी के साथ। और एक छोटी सी एक पॉकेट आती है जो कि सबसे आगे होती है एंड यहाँ पे आप कोई भी चिल्लर पैसे होते हैं या फिर छोटे छोटे आइटम्स होते हैं जैसे कि सेफ्टी पिन वगैरह हो गया यहाँ पे रख सकते हैं। एंड ये बहुत ही ईजी होता है कैरी करने के लिए क्योंकि आपको अपने हैंड को इंगेज नहीं रखना पड़ता है इसे कैरी करने के लिए। आप कहीं पे भी इस तरह से बांध दीजिए या फिर अपने वेस्ट में इस तरह से बांध दीजिए
लीजिए। एंड इसकी वेट जो होती है वो बहुत लाइट होती है, जिससे कोई भी एक्स्ट्रा वेट आपके बॉडी पे नहीं लगता है। जैसे कि कोई हैंड बैग होती है वो बहुत ही भारी होती है, तो उसका जो एक्स्ट्रा वेट होता है एंड प्लस उसके अंदर का जो सामान होता है उसका एक्स्ट्रा वेट, तो वो काफ़ी भारी हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास भारी सामान है और आपको बैग बिल्कुल लाइट चाहिए, जो कि छोटी होनी चाहिए, बिल्कुल कॉम्पैक्ट, जो कि आप डेली यूज़ कर सकते हैं, तो आप इस तरह के वेस्ट बैग को कैरी कर सकते हैं। तो यही सारे थे आइटम्स आज के अमेज़न हॉल में। आई होप ये हॉल आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ येस देन गिव इट अ बिग थम्स अप। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन। आई विल सी यू इन द न्यू वीडियो विद अ न्यू हॉल। टिल देन टेक केयर एंड बाय।